आपको वो दिखा रहा है एवं भूत ने कि जब हमने आपसे कहा ज्ञान बढ़े कैसे और ज्ञान घटता कैसे, ज्ञान बढ़ाना है, ज्ञान बढ़ाना है, शोषण बढ़ाना है, तो मित्र शीतल रहो, शीतल जियो, शीतल चखो। यदि बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती है, बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती है, तो ज्ञानी विश्वास को शांत रहने से भी बुद्धि बढ़ती है। रूखा सूखा खाने से बुद्धि घटती है, रूखा सूखा खाने से बुद्धि घटती है, तो रूखे सूखे भाव रखने से भी बुद्धि घटती है। जिनको किसी से प्रेम नहीं, प्रीति नहीं, सूखा जीवन जी रहे, पूर्व भव के पुण्य से राकेश तुमको मिल गई, करोड़पति बन गए, लेकिन घर के द्वारे पर कोई मेहमान आया, अच्छा कब आए थे, कब जा रहे हैं आप, भोजन पानी तो करके आए होंगे, बेचारा सोच रहा हो कौन से परमेश्वर के द्वार पर मैं आ गया। बोले संयम गया से आए हो, कब जा रहे हैं आप, भोजन पकने की व्यवस्था तो हो चुकी होगी ना। बेचारा चेहरा देख रहा कन्नू का, बोले मैंने तो गया में सुना था कि चातुर्मा समिति का मंत्री है, बहुत अच्छा है, सारी व्यवस्था बना रहा है, वो तो ये पूछ रहा है क्यों, व्यवस्था तो बन चुकी होगी और भोजन पानी करके आई होंगे। मित्र यदि ऐसा पूछने वाला राकेश आदमी मिल जाए तो आप विश्वास मानना, आप तो सोच के आए थे, खुश होके आए थे, आज जाऊंगा रायपुर, वो अच्छे से रहूंगा वहाँ, वो एक आध दिन रुकने के भाव से आया था, बेचारा सोचता है कि अभी तो उतरा ही था, तुरंत ही फोन लगा दिया स्टेशन पर, बोले भाई अगला टिकट है कि नहीं, अगला टिकट है कि नहीं। सुनना, ये संयम और राकेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब सुनो ध्यान से। जैसे आते ही पूछ लिया तुम कब आए हो, कब जा रहे हो, व्यवस्था करके आए होंगे ना, तो रूखा सूखा व्यवहार बना है ना तो सामने वाला। इसी प्रकार से जीव ने जन्म लिया और बुद्धि मिली और बुद्धि मिलते ही उसने व्यवहार ऐसा किया, हर व्यक्ति से रूखा सूखा व्यवहार कर लिया, अब चिंता में तनाव में जीने लग गया। जो बुद्धि जिनवाणी में जाती, जो बुद्धि ग्रंथों में जाती, विवेक जागृत होता, वो मेरे मित्र टेंशन में झगड़े में जाने लगी। अब बुद्धि बढ़ेगी कैसी, जैसी आई थी बुद्धि कह रही है अब ये अगला टिकट मारा बताने ना कहाँ जाऊँ, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। प्रज्ञा, तीन बातें लिख लो भाई प्रदीप। प्रज्ञा मतलब मति, मति श्रीमती, मति श्रीमती और श्री, ये तीन बात लिखो भाई, लिख देना सुब्रत सागर, मति श्रीमती श्री, ये तीन के पास पहुंचना कठिन है, कदाचित वे तुम्हारे पास ही आ जाए, फिर संभालने की बुद्धि चाहिए, संभालने की बुद्धि चाहिए। कितने लोगों के पास श्रीमती आई और बेचारी चली गई, बोले क्यों, संभालने ही नहीं जानता था, तलाक क्या हुआ, चली गई, बोले क्यों, श्रीमती तो मिली थी पर संभालने की मति नहीं मिली, श्रीमती तो मिली थी, संभालने की मति मिली पर घर में श्री नहीं थी। अब कैसे श्री ला रहे हो, श्रीमती मिली मति नहीं मिली तो काम नहीं चलेगा, श्रीमती मिली मति मिली श्री नहीं मिली काम नहीं चलेगा। अब मित्र आइए मूल विषय पर, श्री श्रीमती मति, हे मित्र इन तीनों के लिए संभालने की क्षमता चाहिए। आपके पूर्व नियोग से आपके दादा की परदादा की पिता की कमाई संपत्ति मिल गई आपको, लेकिन आपके पास मति नहीं मिली,
इसका प्रयोग कैसे करूं और लोक में कैसे रहूं। मालूम चला राकेश भैया, आपके पिताजी का बहुत यश था। आप बेटा जहां भी पहुंचे, लोगों ने पूछा ये महावीर बाकलीवाल का बेटा है, ऐसा सम्मान दिया। लेकिन वो पहली बार पिता के नाम का सम्मान मिलेगा और दूसरी बार नहीं मिलेगा। किसी के गुरु बहुत प्रसिद्ध है, विश्वास रखिए, गुरु के नाम का पहले दिन सम्मान मिलेगा, आपकी अगवानी अच्छी हो जाएगी, पर वहीं सामने सामने तुम्हारे सामने माइक रख दिया जाएगा। गुरु का सम्मान, गुरु के नाम पर इतना सम्मान मिलेगा कि आप नगर में प्रवेश कर गए हो, ये गुरु के द्वारा प्राप्त सम्मान था। इसके बाद माइक रखा जाएगा, अब तुम क्या कर रहे हो वो मालूम चलेगा। यदि वो ढीला हुआ तो सम्मान गिरेगा, और फिर तुम आहार करने गए वहां तुम्हारा क्या नाटक चल रहा है। जैसे ही आहार चर्या गड़बड़ हुई तुम्हारा सम्मान गिरा, और फिर शाम तक तुम्हारा व्यवहार कैसा रहा, सम्मान समाप्त। बोले मैं अमुक जी का शिष्य हूं, शिष्य तो मैंने अगवानी कर ली, शिष्य तो मैंने अगवानी कर ली। शिष्य की अगवानी हो सकती है, पर पूजा तो शिष्य अगवानी से नहीं होगी, तेरे निजी पुण्य से होगी, निजी साधना से होगी। ऐसे विजय भैया बाबूलाल जी के नाम पर मित्र, तुमको इतना यश मिल गया कि जयश्री आयल मिली वाले बाबूलाल का बेटा आया हुआ है। लेकिन अब व्यक्ति क्या करेंगे, विजय का निजी व्यवहार कैसा है। ताराचंद बढ़ जाता थे यहीं बगल में, वो आपको मालूम नहीं है। महावीर भैया शाम को 5 बजे मेरे पास आके गर्मी में बैठते थे, आपको मालूम है। एक दिन बोले हमसे, महाराज जी मेरे एक मशीन आई कारखाने में, और वो मशीन बहुत कीमती थी, पर चालू की सो चालू ही नहीं हुई। अब मैं टेंशन में आ गया, उस मशीन चालू नहीं हो रही, बिराजो मशीन चालू नहीं हो रही है। तो इन्होंने रायपुर में जितने सुंदर इंजीनियर थे सबको बुला लिया, नहीं चालू हुई। फिर उन्हीं के मित्र का एक लड़का बालक विदेश से पढ़ करके आया था, उसको बुलाया, बेबी देख दाख के चले गए, मशीन चालू नहीं। बोले अब क्या किया जाए। बोले मेरा ही नौकर था, वो बैठा था देख रहा था सब, 3 दिन से मशीन चालू नहीं हुई। वो कहता बोले बढ़िया जी मैं कर दूं क्या। बोले तू क्या करेगा, 3 दिन हो गए, बड़े बड़े लोग आ गए, तू करेगा। बोले अब आपकी मशीन तो खराब है, ये आप मानते कि नहीं। उसके शब्द सुनिए आप नौकर के, बोले आपकी मशीन तो खराब है, आप मानते कि नहीं। बोले बेटा लगता तो ऐसे ही है कि इतने बड़े बड़े इंजीनियर आ गए। बोले अब खराब आपने मान ली तो 24 घंटे को मुझे दे दो, अब खराब की खराब तो नहीं होगी ना, आप इसको खराब मान लीजिए। बोले शर्त ये, जब इस मशीन के पास मैं रहूंगा आप नहीं रहोगे, वो यदि आप रहो भी तो आप मौन से खड़े रहोगे। तो उनने ये मान लिया कि मौन से खड़े रहेंगे, ये नहीं माना कि नहीं रहूंगा, बोले मौन से खड़ा रहूंगा। मालूम क्या हुआ, उसने क्या किया, रात्रि में मशीन चालू की और एक हथौड़ा आगे से मारा, एक हथौड़ा पीछे से मारा, एक हथौड़ा बीच में मार दिया, 3-4 हथौड़े मार दिए और रात्रि में मशीन चालू हो गई। सुबह मशीन चलते मिली, बड़ी जाती पहुंचे, उन्हें नींद कहाँ आ रही थी। बोले बेटा क्या हुआ, बोले देख लो चल रही है। बोले ऐसा क्या हुआ, बोले बस से यही मत पूछो, ये सब पढ़ के आए लोग थे, ये सब पढ़ के आए लोग थे, अनुभव करके नहीं आए थे। ये मशीन बनाना जानते हैं, मशीन के नग पुर्जे जानते हैं, मशीन चलाना नहीं जानते, चलाते तो हम है ना। ऐसे ज्ञानियों छोटे से बच्चा, छोटा सा बच्चा, और कभी कभी माँ मालूम एक इधर मारती है, एक इधर मारती है, और जब स्नान कराती ठंडियों में तो ऐसे घसीट देती है, आपने देखा।
वो कहीं देखने वाले दूर से बोले कैसी अभागने, कैसे बच्चे को मार रही है, वो कितनी हत्यारे ने बच्चे को मार रही है, आपको मारते दिख रही है, वो हकीकत कुछ और है, वास्तविक कुछ और है कि बच्चे को ऐसे सजाएंगे नहीं, स्नान नहीं कराएंगे, मल छपा रह जाएगा, खुजली हो जाएगी, खाज हो जाएगी। तो माँ उसको डांट करके पुचका पुसे, मालूम है कि कहाँ कितना मारना है, लेकिन दयालु लोग दूर से देखते हैं। ऐसे ज्ञानियों जिसको अनुभव है बच्चे को पालने का, वो गाल पर चाटा भी मार देती है, फिर भी माँ अपने बच्चे को बच्चा बना के रखती है। ऐसी अनुभवी शिल्पकार, उसे मालूम है मशीन टूटना नहीं चाहिए, पर हथौड़ा कहाँ मारना है, और ये इतनी दूर से चल के आई है और रखी हुई है, वो चिपक गए हैं सबके उसके नक पुर्जे, कितनी तुम तेल डालो, और जैसी हथौड़े पटके सब खुल गए। ऐसे ही मालूम तुम्हारी बुद्धि पे हथौड़े पटके जाए, भैया उठा मत ला ना कहीं हथौड़ा कहीं से, नहीं तो मालूम चला गुरु जी आज मैं पूरी अपनी बुद्धि खोल के रहूंगा। ये मालूम हथौड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं, मशीन पर लोहे का हथौड़ा चल सकता है, लेकिन बुद्धि पर हथौड़ा नहीं मारना, बुद्धि पर उपदेश का ही हथौड़ा लगता है, और जैसे ही गुरु का उपदेश का हथौड़ा पड़ता है, बुद्धि अपने आप खुलने लगती है। हथौड़ा पड़ना चाहिए, बुद्धियां खुलने लगती हैं। कुछ लोगों की बुद्धि गुरु के उपदेश के हथौड़े से खुलती है, तो कुछ जीवों की बुद्धि जगत के अपमान के हथौड़े से खुलती है, कुछ जीवों की बुद्धि ठोकरे खाने से खुलती है, तो कुछ जीवों की बुद्धि पत्नी के बेलन खाने से खुलती है। कई बार करोड़ का भी घाटा लग रहा हो ना, छोड़ के दूर भग जाना, बोले मुझे ये घाटा मैं सहन कर लूंगा, एक घाटा लग गया तो जिससे मैंने कमाया है वो ही नहीं बचेगा, तो फिर दूसरा कौन कमाएगा। तपस्या भी करो ना, आपको लग रहा है कि आज मेरा शरीर कमजोर दिख रहा है, मित्र आप आहार करने चले जाना, बहुत अच्छा लगा सुब्रत साई कल आराध्य साई ने बहुत अच्छी बात की, बोले शरीर कमजोर दिखता है तो मुझे मैं पानी को जाऊंगा, बोले क्यों, जब शरीर साथ नहीं देगा तो समय के पहले मरना अच्छी बात नहीं है, साधना करने के लिए जी रहा हूं न कि जीने के लिए साधना कर रहा हूं। अज्ञानी जीने के लिए खाता है और ज्ञानी मेरे मित्र खाने के लिए अज्ञानी जीता है और ज्ञानी जीने के लिए खाता है। तो साधना हमारी कर्म निर्जरा के लिए है, मरने के लिए नहीं है। साधना हमारी क्यों है, कर्म निर्जरा के लिए, मरने के लिए नहीं है। ऐसे आपको लग रहा है वो मशीन गिर रही है, मित्र कहीं सिर पर गिर गई है, मित्र ये मशीन का स्वामी कौन होगा, दूर खड़े रहना, समले समझ जाए गिरे गिर जाए, लेकिन जीवन नष्ट नहीं होने देंगे। हमारा जीवन मात्र मशीन के लिए नहीं है। यदि बढ़ियात जी भैया सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि मैंने कहा कि राकेश जीते रहना, बढ़ियात जी जीते रहना, क्यों, मित्र समझो कई जानवर भारत सरकार विदेशों से अपने यहाँ रख रही है, तुम्हारे यहाँ समाप्त हो गए, वो विदेश से लेके रख रही है, क्यों, बोले जानवर तो बहुत हैं पर वो वाली जाती नहीं है, विषय पकड़ने में क्या बोल रहा हूँ, जानवर तो बहुत है ना देश में पर वो जाती नहीं है जिसे वो रख रहे हैं। ऐसी एक कभी मत सोचना, आप सबसे मेरा कहना, बोले मैं मर भी जाऊंगा तो बहुत लोग रहेंगे, अरे बहुत लोग तो रहेंगे पर हर व्यक्ति वो पुण्यात्मा नहीं होगा जो लाखों का दान दे पा रहा हो, हर व्यक्ति वो नहीं रहेगा जो लाखों का ज्ञान कमा रहा हो, हर व्यक्ति वो नहीं रहेगा जो उपास की साधना कर रहा होगा, हर व्यक्ति वो नहीं हो सकता है जो समाज में अखंडता फैला रहा हो। मेरे मित्र आपको मरना नहीं है, समाधि मरण करना है। एक सत्य घटना बताऊं, बिहार चल रहा था, वो कहेंगे रितेश भाई, मित्र गोलू बिहार चल रहा था, तो भाई मेरे बगल में आ गया, तो मैं उतर गया रोड से,
तो महात्मा प्रणव सागर जी क्या बोलते हैं, बहुत डरते गुरुजी। क्या बोला ये भाई, बोले बहुत डरते गुरुजी। अच्छा, मैंने धीरे से रितेश का हाथ भी खींच दिया, बोले नीचे उतर, याद है तुमको, तो ये मालूम मेरा चेहरा देखता है। बोले गुरुजी दूर तो है, उनके मित्र अभी दूर चलना है, समझ में आया कुछ। वो भाई कहता अभी दूर है ना बहाना, मतलब दूर चलना है, ठहरो। जीवन को व्यर्थ में नष्ट करना, धन तुम्हारे पास बहुत है, तुम दान करोगे अच्छे स्थान पर, मना नहीं करूंगा, लेकिन धन तुम्हारे पास है, कोई शराब पीने के लिए पैसा मांगने आए तो दे दोगे क्या? धन तुम्हारे पास बहुत है, कोई मांस खाने के लिए पैसा मांगने दे दोगे क्या? धन तुम्हारे पास बहुत है तो कोई वैश्यालय जाने के लिए पैसा मांगे दे दोगे क्या? जैस दान देने के पहले पता कर लेना इसका प्रयोग क्या होता है। यदि दान तुमने दिया और प्रयोग का पता नहीं किया और उसने जाकर गलत जगह उपयोग किया है, चिंता मत करना, उसका फल भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। यदि तुमने दान दिया है और किसी ने जाकर के अभक्ष खाने वालों के साथ लुटा दिया, मेरा विचार तो है कि बड़ियात्ता जी इतने हमारे पास युवा हैं, इन्हें एक एक शुद्ध बैंड पकड़ा दो। बोले क्यों, समाज का द्रव्य उस स्थान पर ना पहुंचे जहां हमारे द्रव्य से लोग मांस के टुकड़े खाते हो। जब तक 50 गांव का बैंड नहीं आएगा तब तक विशुद्ध सार की अगवानी सुंदर नहीं लगेगी, वो मुझे पसंद नहीं है। 50 लोगों के पैसे जो मांसाहारियों के हाथ में जाएं, उसकी जगह गरीबों के हाथ में चले जाएं जो रमोकार पढ़ते हों, वो मुझे अच्छा लगेगा। इसे मैं प्रभावना नहीं मानता, तुमने कितने बैंड पढ़वाए यहां पर, मैं उसे प्रभावना मानता हूं कितने लोगों ने यहां पर खड़े होकर के नियम लिया है कि स्वामी जगने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ूंगा। है कोई जगने के बाद चाय के ऊपर हाथ बाद में, शीशा बाद में देखूंगा, उठते ही सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ूंगा। कितने लोग ऐसे धर्मात्मा जीव है सुबह जगते ही सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, हाथ ऊपर करना। यही चातुर्मास की प्रभावना है। हो गया चातुर्मास तुम्हारा सफल, 9 बार नमो कर सब पढ़ोगे ना, अब मालूम माना की